Welcome to Mission Earth with a brand new video. Bangkok के सेंटर में एक ऐसी जगह है जहां आप हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये है जिम थॉम्पसन हाउस म्यूजियम. सागवान की लकड़ी से तामीर किया गया ये घर अपने बेमिसाल इंटीरियर और एक्सटीरियर की वजह से फेमस है. इस घर को थाईलैंड की तारीख के एक अफसानी किरदार जिम थॉम्पसन ने तामीर किया था. 1906 में अमेरिका में पैदा होने वाले जिम थॉम्पसन ने एक जासूस की हैसियत से वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा लिया. साउथ ईस्ट एशियन आर्ट और खसूसी तौर पर हैंडमेड सिल्क में इंटरेस्ट की वजह से जिम थॉम्पसन ने जंग के बाद बैंकॉक ही में रहने का फैसला किया. जिम थॉम्पसन ने 1948 में थाई सिल्क कंपनी कायम की और किंग ऑफ थाई सिल्क के तौर पर शोहरत हासिल की. '58 में अपनी रहायश और आर्ट कलेक्शन रखने के लिए इस घर की तामीर शुरू की. 1950 और 60 की दिहाई में इस मकसद के लिए थाईलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों से लकड़ी से बने पुराने घरों के ढांचे लाए गए. इस घर को रवायती थाई तर्ज के 6 घरों पर मुश्तमल कॉम्प्लेक्स के तौर पर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था. थाई कल्चर और आर्ट में इंटरेस्ट की वजह से जिम थॉम्पसन ने ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि बर्मा, कंबोडिया और लाओस से भी तारीखी मुजस्मे और पेंटिंग जमा की. चार कनाल पर मुश्तमिल ये घर सेंसाइप नहर के किनारे पर बनाया गया है जिसकी दूसरी तरफ थाई सिल्क कंपनी के मुलाजिम रहा करते थे. विजिटर्स के लिए जिम थॉम्पसन हाउस का दिलकश फन तामीर सिल्क और आर्ट ही नहीं बल्कि इसके रहायशी जिम थॉम्पसन की पुरअसरार ज़िंदगी भी दिलचस्पी का बायस है. मार्च 1967 में मलाइशिया के कैमरॉन हाईलैंड में हाइकिंग के दौरान जिम थॉम्पसन गायब हो गया. 500 से ज़्यादा लोग कई महीनों तक जिम थॉम्पसन को तलाश करते रहे लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई. इस दौरान अगवा और कत्ल से लेकर वियतनाम जंग में बतौर जासूस शमूलियत जैसी बहुत सी अफवाहें गर्दिश करने लगीं लेकिन 55 साल बाद भी जिम थॉम्पसन की गुमशुदगी एक मिस्ट्री है. अगर आप बैंकॉक में हैं और आर्ट और मिस्ट्रीज में दिलचस्पी रखते हैं तो जिम थॉम्पसन हाउस म्यूजियम ज़रूर विजिट करें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.